तो वालदा साहब मेरी दो हमारे का घर में भैंसें थी, उसका सारा खुद सुबह मक्खन निकालते थे, वो इतना मक्खन होता था हमारे घर में। और पराठे वो जो डूंगा कहते हैं ना तवा, उसमें पूरा घी होता था, उसमें वो पराठे जैसे पूड़ा नहीं डालते, पूड़ा नवा वो बनाती थी दो में वो लेके, ऊपर इतना मक्खन, ऊपर शहद और मलाई, ये खाते थे। उसके बाद नमकीन चाय का एक प्याला, और उसके बाद मुझे नींद आ जाती थी, तो 11 बजे तक बिल्कुल बेहोश, पता नहीं होता था कहाँ पड़ा हूँ। तो ये हमारी उस पर खुराक होती थी। अब तो आप खा नहीं सकते, क्योंकि आप बर्न नहीं कर सकते इतना खाने के बाद। उस वक्त फिर मैं 12 बजे ग्राउंड में घुस जाता था, 4 बजे लोग खेलने को आते थे, तो मैं 12 बजे तो 200 हिट पेनल्टी कॉर्नर की प्रैक्टिस करता था गोल के अंदर। इस्लामिया कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज खेलों के मैदान में हरीफ थे। दोनों कॉलेजों के इंतजामिया ने बड़ी कोशिशें की कि मुनीर डार उनकी तरफ से खेलें। आखिरकार गवर्नमेंट कॉलेज में मुनीर डार दाखिल हुए और उसी कॉलेज की तरफ से खेलते रहे। इस बॉल में मैंने बड़े गोल किए हैं, क्योंकि हम जब गवर्नमेंट कॉलेज की टीम थी, तीन मैच हम हफ्ते में खेलते थे, एक पुलिस के साथ, एक अफगान क्लब के साथ, एक रेलवे के साथ, दीज वर दी फिक्स्ड मैचेस। तो उससे ये होता कि उन वो टीमें इतनी अच्छी थी, तो जब हम उनसे बराबर या एक आध गोल से हारती तो थी, तो हमारी टीम ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती, खिलाड़ी सारे हो, जिसकी वजह से हम यूनिवर्सिटी चैंपियन भी रहे। 55 की जो नेशनल चैंपियनशिप थी, उसमें मैंने 19 गोल किए थे, तो जिसकी बदौलत पहले मैं कैंप में था, और फिर 56 में फिर हम फाइनल में हम खेले आर्मी से, एक गोल से हारे, तो उसकी बदौलत मैं समझता हूँ इस ग्राउंड का बहुत हाथ है हमारे प्लेयर बनने में। क्योंकि बड़े प्लेयर उन पुलिस में लतीफ़ उरमान जो इंडिया पाकिस्तान की खेल, लतीफ मीर, अजीज़ कारमन, ओ इसमें बड़े लेजेंड पैदा किए हैं इंडिया में। आप देखें देशमथु, अमीर कुमार और बड़े नामी ग्रामीण जो खिलाड़ी हुए हैं इस ग्राउंड ने पैदा किए, जो कि बाद में इंडिया को रिप्रेजेंट किया जिन्होंने जाकर। चरणजीत 62 का वो कप्तान था इंडिया का, 64 का भी कप्तान था। वो एक तारीख साज खिलाड़ी है। 1956 में वो मेलबर्न के राइट फुल बैक मुंतखब हुए और 1966 तक एशियन गेम्स तक की नुमाइंदगी की। 10 साल के अरसे में ओलंपिक मुकाबलों में एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। इनमें खूबी ये थी कि ये अपने राइट लेफ्ट इन को ऊपर जाके टैकल किया करते थे। अक्सर जो हॉकी देखी जा रही है उसमें ये है कि जब लेफ्ट इन गेंद लेके आता है तो राइट फील्डर पीछे आते आते डी तक आ जाता है। ये मुनीर डार की आदत नहीं थी। मुनीर डार उसको या तो अपने 25 या सेंटर लाइन से पहले ही बीच में इंटरसेप्ट कर लेते थे और उस खिलाड़ी को आगे नहीं आने देते थे। मुनीर डार काफी रिलैक्स होके खेलते थे। मुनीर डार की जो खासियत थी वो मैंने देखी कि जब उनके पास बॉल आती थी तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको गेंद को रोकना, और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो बड़ी अच्छी थी, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। स्मार्ट खिलाड़ी, अपने वक्त के खूबसूरत इन खिलाड़ी, क्योंकि कश्मीरी ख़ानदान से थे। कभी भी वो अपनी टीम का मोरल डाउन नहीं करते थे, चाहे टीम हार रही हो चाहे जीत रही हो, वो हमेशा सबको ये कहते थे कि वो फलाना खिलाड़ी उसको मैं पकड़ लूँगा, बेफिक्र हो और आगे बढ़ो। थोड़ी सी उनकी खराबी भी बताऊं कि कभी कभी वो पॉलिटिक्स बड़ी करते थे। वो एक ऐसे जुर्रतमंद खिलाड़ी थे जिनका सामना करते हुए तमाम मुखालिफ खिलाड़ी घबराते थे। ये स्टिक रखी हुई है, 22 औंस की स्टिक से खेलता था हैवी, और सिगरेट ब्लेड इतना मोटा इसका होता था, वो पीछे किया हुआ है बिल्कुल, तो सिगरेट पी रहा है तो बातें वो केलर के साथ, केलर सेंटर फॉरवर्ड, उसे मोस्ट फीड फॉरवर्ड था यूरोप का, तो उसने नहीं, उसने कहा इट्स अ वेरी हैवी स्टिक, देखा तो उसने कहा दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, आई ब्रिंग इट फ्रॉम पाकिस्तान फॉर यू टू हिट यू हियर ऑन योर लेग्स। तो खैर करता है, तो हम वही बड़ा मासूम सा आदमी हमारा, बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, इसको समझा के बड़ा बोल बोल रहा है, तो मैंने कहा इसको अल्लाह मियां समझाएगा, मैं तो समझा नहीं सकता, समझाया। तो जब ग्राउंड में गया तो कैलर ने जब अटैक किया इस पर पहला ही, तो उसने गेंद पकड़ा और कैलर स्टूड पीछे हट गया। वो अक्सर नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करते, मुखालिफ टीम पर हावी रहते।
We were the only two teams only arrived in the Olympic Village. तो वहाँ पर ये हुआ कि हमें पता चला कि इंडिया की टीम अंदर, हमें पता था कि टीम में खिलाड़ी कौन कौन से हैं कि अंदर खाना खा रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार पहले हमने तरतीब थी, मैंने कहा पहले जवान जवान आदमी अंदर हो, पीछे हम छोटे छोटे बाद में घुसेंगे। आतिफ बनवार, अहमद खान, मोतीउल्लाह, दया जी, हम ये छः छः फुटे जवान थे, कादावर। हमने मैं कहा बुंदे तू पीछे हो, टिटा दिया, मैं कहा पीछे ना मरूम। तो हम अंदर घुसे हैं ना, तो मैंने कहा देखो बात किसी से नहीं करनी, इनसे सत्तरी के साथ इनसे बात करनी है। तो आठ आठ टेबलों आदमी की टेबल थी, इधर इंडिया वाले बैठे हुए थे तो इधर हम बैठ गए। तो मैंने ऐसे देखते, मैंने कहा उधम जी क्या बांधियाँ शांतियाँ ले रहे हो हमारे साथ खिलाने के लिए। मैंने कहा इनको नाच नूच कराओ जाके, इससे क्या खेलना है। मैं कहा इसको पहले ही इसमें ना मैं गेंद के साथ ही ना ग्राउंड से बाहर फेंक दूंगा। अगर आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा प्लेयर जो है ये हार्ड वर्कर था या नहीं था, हार्ड वर्कर, ये मेड प्लेयर था, जो बॉर्न प्लेयर होते ना उस तरह था ये, क्योंकि इसने हार्ड वर्क तो कभी किया ही नहीं। अलग फसल से पूरा गेम पूरी खेलता था, मगर सुबह हफ्ते में दो पीटी मिस कर देता था और आराम से सुबह उठ के रात को ही कह देना सोने से पहले, क्योंकि सबसे आखिर में ये सोता था। कैंप लगा हुआ है और उसमें रात को हम ऊपर सोए हुए हैं स्टेडियम के ऊपर, और ये हर एक के बिस्तर पर जाके उसको अगली टीम सुनाता था कि जी कल जो टीम पाकिस्तान की बन रही है उसमें तेरा नाम है और बाकी ये और बाकी खालिद महमूद और ज़िका और तारा तो ड्रॉप हो गए। और फिर ये सबको सुला गया, सिगरेट पीता पीता मेरे पास आता था, मेरे साथ वाले चार भाई सिगरेट पीता पीता ये सोचता था और सुबह उठते सोते हुए कह देता था मेरे पेट खराब है, मेरा पेट खराब है। उन जैसा प्लेंटी कॉर्नर की हिट मारने वाला खिलाड़ी दुनिया में बहुत कम है। वो एक स्टाइलिश खिलाड़ी थे। मुनीर अहमद डार ने 14 जनवरी 1960 बतौर सार्जेंट पुलिस सर्विस ज्वाइन की और 28 मार्च 1965 को बतौर डीआईजी एडमिन रिटायर हुए। मेरे वालिद साहब इतने नफीस आदमी थे। एक दिन मैं डीएसपी सिविल लाइन था, रात को 1:30 बजे में वापस आया तो मैं अपने कमरे में भी बेडरूम में जाके बिस्तर में घुसा ही था कि ही नॉक्ड एट माई डोर। मैंने समझा कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, शायद प्रॉब्लम हो गई। मैं घबरा के बाहर निकला, मैंने कहा भाई खैर है? कहने लगे हाँ खैर ही है, वो जिनसे दूध नहीं देते तुम्हारे बच्चों के लिए, उनका बच्चा पकड़ के आपके थाने वाले ने सिविल लाइन ने बंद कर दिया, जाओ उसको लेके आओ। मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि बच जाऊँ इस वक्त, मैंने कहा अभी सुबह ले आऊँ। कहेंगे मैंने गो नाउ योर जीप इज आउटसाइड। मैंने जीप पकड़ी, वहाँ गया, उसको ला के घर छोड़ दिया। सुबह उठा, जब जाने लगा तो वो अखबार पढ़ रहे थे उस वक्त। मैंने सलाम की, मैं कहने की सनी कम एंड सिट डाउन। मैं चुपके से बैठ गया उनके पास। तो कहने के यार आई वॉन्टेड टू टेल यू फ्यू थिंग्स इन लाइफ, जो आज इट्स अ चांस सो आई शैल टेल यू। मैं सब हम आए, कहने के देखो ये जो हमसाए होते हैं ना उनके बड़े हकूक होते हैं, और जब तुम मैं मरूँगा ना, हम मरेंगे तो ये सबसे पहले दरी बिछा के बैठेंगे, रिश्तेदार बाद में आएंगे और बैठ के बदखोइयाँ करेंगे, समझ गए। हमें इन्होंने छोड़ के आना कब्रस्तान, इनसे कभी ऊंची बोलना भी नहीं और अपनी औलाद को भी बताना कि हम सायों के साथ मल्लेदारों के साथ कभी ऊंची जुबान में बात भी नहीं करनी। उन्होंने पुलिस में हॉकी को फरोख देने के लिए हॉकी के खिलाड़ियों की पुलिस में भर्तियां करवाई, जिसकी वजह से पुलिस के महकमे में कई नामवर खिलाड़ी निकले। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में स्टूडेंट था और हॉकी खेलता था, वहीं से इन्होंने मुझे पिक किया है और मुझे ASI पुलिस में भर्ती करवा दिया। मैं ही नहीं अकेला, उमर फारूक भट्टी, यूनुस भट्टी, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भी इस वक्त SP हैं, ये भी मेरी तरह इन्हीं की उन्होंने मेहनत है और इन्हीं की वजह से SP हुए हैं। असगर सईद मांडो जो हमारे गोलकीपर थे, उनको भी इन्होंने पुलिस में अपॉइंट किया, इन्हीं की वजह हमें पकड़ के ले आए कि नहीं तुमने पुलिस की टीम को मजबूत करना है, पुलिस की टीम से खेलना है, यहीं से हम खेले और यहीं से पाकिस्तान टीम में आए। उसके बाद हमें जो पुलिस का प्रोफेशन है इन्होंने सिखाया, इन्होंने बताया पाबंदियों वक्त क्या चीज़ है, इन्होंने ड्यूटी परफॉर्मेंस बताई। मेरे DSP ट्रैफिक भी ये रहे हैं, मुनीर अहमद डार साहब DSP ट्रैफिक लाहौर,
और इन्होंने जो हमें वीवीआईपी ड्यूटीज सिखाई, जो हमें इन्होंने महकमे में चलना सिखाया, वो सब इन्हीं की वजह से हुआ। और बाहैसियत पुलिस ऑफिसर वो एक इंसान दोस्त और मुखलिस रहे, और जो भी उनके पास आया उसे कभी मायूस नहीं लौटाया। आपको बताया कि इन्होंने पर्चियां रखी हुई थी साइक्लो स्टाइल करवा, क्योंकि इतने लोग आते थे सिफारिश के लिए, तो वो पर्चियां उसके ऊपर लिखा हुआ था इसका काम कर दिया जाए नीचे मुनीडा। वो एक बार इसी तरह किसी आदमी को उन्होंने पर्ची दी, कोई बस वाला था मालिक चले, रास्ते में पुलिस ने उसको रोक लिया, तो उसका जब चलान करने लगे तो उसने डार साहब की पर्ची दे दी, उसने लेके फाड़ दी थानेदार ने। उसको ये क्या किया, उसने कहा डार साहब तो हर एक को दे देते हैं, तो मैं कितनी पर्चियाँ जो है सुबह से शाम तक इनकी देखता। दोस्तों का तो खैर छोड़ ही दें, वो तो इनकार कर ही नहीं सकते, कोई गैर भी आ जाता है ना, तो नजायज़ भी काम होगा तो ये आपके साथ चल पड़ेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ये एक बड़ी खूबी वाली बात जी। एसपी था तो मैं सुबह, एक आईजी ने मुझे बुलाया सुबह सुबह गया, तो इसके दफ्तर में बैठने की जगह थी जहाँ जाके सब लोग बैठते, तो मैं बैठ गया सामने अर्ली मॉर्निंग, तो ये भी कुछ ठीक नहीं था, चलो तो मैंने कहा क्या हाल, कुछ कर रहा था, इतने एक आदमी गलती से बेचारा आ गया, और उसने आकर कि सलाम डार साहब मैं एक कार्ड से दो, उसको इन्होंने बेशुमार गालियाँ नहीं गंदी गंदी बड़ी बड़ी, और काफ़ी देर देते नॉर्मली मेरे से इतना नहीं करता होता, मगर उस दिन से काफ़ी उससे बदतमीजी की, गालियाँ दी उसे बहुत काफ़ी, मैं चुप कर गया, मैंने कहा क्या बात है इसकी। तो थोड़ी देर बाद दराज खोला, वो बैठा है आदमी ऐसे बैठा, दराज खोला तो मैं उसको देख रहा हूँ, इसने दराज खोला उसमें से कार्ड निकाला, साइन करके उसको कहता है ले ये ले, तो मैंने कहा यार वो चला गया, तो मैंने कहा तू तो इतनी गाली दी उसने पूरी पूरी, कहता ये मैं रोज़ देता हूँ पर कार्ड भी तो देता हूँ सारा।